नमस्ते दोस्तों, आज हम मंडे हैं तो और पांच स्टॉक लेकर आए हैं आपके लिए स्टडी पर्पस। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब पहले ही कर ले, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना। देखिए दोस्तों, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या जो भी कुछ कर रहे हो, क्या आपकी अर्निंग आने वाले साल भर में डबल या ट्रिपल हो सकती है क्या? या डबल अर्निंग करने के लिए, ट्रिपल अर्निंग करने के लिए आपको यहां से लेकर कितने सालों तक काम करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, इसके बारे में जरूर सोचो। और मुझे ये आपको बताना है कि ये स्टॉक मार्केट ये ऐसी जगह है जहां पर आप आने वाले साल भर में, दो साल में डबल या तीन गुना जो अब कमा रहे हो उतना कमा सकते हो, अगर आप ये सही तरीके से सीखते हो और प्रॉपरली स्ट्रैटेजी के साथ इन्वेस्टिंग करते हो। तो अगर ये सब आपको सीखना है तो ज़रूर आपको कोई मेंटर ढूंढने की ज़रूरत है, बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि वो कैसे करते हैं एक्चुअल वो आपको पता नहीं, रियल टाइम में कैसे करते हैं वो आपको पता नहीं। अगर ये आपको पता कराना है तो ज़रूर नीचे दिए हुए लिंक पर या फ़ोन नंबर पर कॉल करके, हमारी जो नेक्स्ट शेयर मार्केट की बैच है वो कब है और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में हम लोग ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, तो ज़रूर इसका फ़ायदा लें। तो स्टार्ट करते हैं। पिछले दो तीन वीक पहले जो भी स्टॉक्स हमने सजेस्ट किए थे उसके परफॉर्मेंस और उसके रिटर्न के बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टिंग पर्पज से ये सारी चीज़ें चल रही है, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट की सलाह इसमें नहीं है। तो देखते हैं, हम आई थिंक हम 2160 का देखते हैं। 2160 मतलब अभी 11 तारीख है, 11/9, तो तीन वीक। देखिए दोस्तों, और एक बात आप करना, सबसे इम्पोर्टेंट ये पहले से मैंने जो भी स्टॉक दिए हैं अब ऐसे निकाल के देख लेना कि 12/6 को मैंने जो भी स्टॉक दिए थे वो आज की डेट में क्या परफॉर्म कर रहे हैं। फिर आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि दो तीन महीने, चार महीने अगर इनको होल्ड करके रखा जाए तो बहुत सारे रिटर्न बन सकते हैं। देखो मैं वो दिखाता हूँ और उसके बाद हम 21 तारीख की बात करते हैं। तो अपार इंडस्ट्री की बात अगर की जाए तो 3000 पे सजेशन किया था और अपार जो ने जो हाई लगाया 5300 का लगाया, मतलब 76% ने इसने अपसाइड दी। तो ऐसे कोई भी स्टॉक निकाल के आप देख सकते हैं जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस होगा कि ये कर क्या रहा है। या इलेक्ट्रा है तो इलेक्ट्रा ने 1400 मारा तो 73%। ऐसे कोई भी स्टॉक उठाओ, हो सकता है कहीं कहीं पे आपका स्टॉक लॉस ही हिट हुआ हो, लेकिन बहुत सारे पैसे। अभी इंजीनियरिंग इंडिया मैंने तो कहा था 166 पे ट्रेड कर रहा 37% के, लेकिन 200 का टारगेट लिए दिया था 10/7 में। तो आपको इंजीनियर इंडिया को उठा के देखना है, मतलब पिछले वीडियो को निकाल कर देखो जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये कुछ दिनों के लिए नहीं है। कोई भी उठा लो, मुझे भी पता नहीं क्या क्या इंजीनियर इंडिया। तो इंजीनियर इंडिया ने 67 का हाई लगा के नीचे आया, तो ये अभी भी बाय बनता है ये स्टॉप लॉस के साथ। तो ये जो स्टॉक्स है ना, आने वाले 6 महीने में 7 महीने में इसको अगर उठा के देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि वंडर्स कर रहे हैं। तो उदाहरण के तौर पर और कोई स्टॉक उठा लेते हैं, कीनेस टेक्नोलॉजी या फिर चोलामंडल फिनांस, जो भी है। चोलामंडल हमने कहाँ पर रिकमेंड किया था, तो ये चोलामंडल फाइनेंस 1100 पे रिकमेंड किया था, ये नीचे आया था 1000 तक आई थिंक, उससे बाद फिर से 1200 चला गया अभी। तो ये क्या कर रहे हैं इसको देखना बहुत जरूरी। ट्यूब इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है या और कोई, ट्यूब इन्वेस्टमेंट अभी 33 का हाई लगा के अभी थोड़ा सा मार्केट डाउन है या फिर थोड़ा करेक्शन है मिड कैप में और स्मॉल कैप में, तो थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन ट्यूब इन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट देखिए 3517 चल रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि देखो ये जो स्टॉक्स है ये एक वीक के, दो वीक के नहीं है। दिस दो स्टॉक परफॉर्म वेरी नाइस, आप अगर एक साल दो साल बाद इसको देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इन्होंने वंडर्स किया है। 3516 रुपये का इसने हाई लगाया, अगर मैं यहाँ पे 3516 कर दूँ, कहाँ गया ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ये 3516 का हाई है, तो 3516 का हाई मार दिया तो परसेंटेज वाइज रिटर्न इसके बन गए 18-19%। और ये जो एवरेज आई थी 23.70 की, ये बन गई 24.40 की, 24.40। अभी ये हर एक को निकाल के दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप अगर जाकर देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि दिस स्टॉक्स आर डूइंग वंडर्स।
तो पॉलीकैब को देखते हैं, तो आपको पीछे के वीडियो जाकर देखने हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यस दिस काइंड ऑफ नॉलेज इज अवेलेबल और आप इस नॉलेज के माध्यम से बहुत सारे पैसे बना सकते हैं दोस्तों। तो पॉलीकैब किधर गया, पॉलीकैब ये देखो, पॉलीकैब इधर है। पॉलीकैब का कितना हाई लगाया है इसने, इसने हाई लगाया है 5333 का, तो 5333 पॉलीकैब किधर गया, 5333। तो इसके रिटर्न 50% बन गए, तो 2 महीने में 50% कौन दे रहा है, ये हर एक को निकाल के देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा ये भारत इलेक्ट्रॉनिक क्या कर रहा है। तो ऐसे करना पड़ेगा आपको, मैंने निकाल के दिया उतना ही उसने परफॉर्म किया, ऐसा नहीं है। BEL फेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, देखो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स क्या कर रहा है, देखो इसने हाई कितना लगाया, आज ही लगाया 147, अभी ये मैंने इसको जाकर अपडेट कर दिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 147 इधर 147। तो देखो इसके रिटर्न बन गए 17.5, और ये जो मैंने अभी 24.40 का निकाला था एवरेज, वो हो गया 26.26 का। तो 2 महीने 26% का कौन रिटर्न दे रहा है, 27% का कौन रिटर्न दे रहा है, 10-12% 13% का रिटर्न हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप अगर इसको लेकर जाएंगे, इसको अगर हर एक को ढूंढते जाएंगे और अपडेट करते जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि दिस स्टॉक्स ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। तो हमें इसके साथ बने रहना पड़े, कोई भी निकालो, कोई भी, मतलब अभी यहाँ पर बात करते हैं किसी से आर्यन सिस्टम की, आर सिस्टम क्या कर रहा है भाई, आर मुझे भी नहीं पता क्या कर रहा है, तो मैंने नहीं देखा, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है ये करते ही ये परफॉर्म, ये 520 और इसने हाई लगाया कल परसों में 526 का, तो मुझे जाकर यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा 526 इधर, तो 11-12% का रिटर्न था, चलो कुछ ज़्यादा नहीं है, 13-13.5% का बन गया। तो ये आगे करेगा परफॉर्मेंस। तो कल्याण ज्वेलर क्या कर रहा है, कल्याण ज्वेलर हमने टारगेट इतना दिया था, कल्याण ज्वेलर किधर है, तो आपको ये ऐसे कोई भी पीछे के वीडियो देखने हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर से निकालो उस वीडियो को, सही में कर रहा है अच्छा नहीं कर रहा है ढूंढो, इसने हाई कितना लगाया देखो, इधर है हाई 251 261। अब 261 का मैं इधर अगर अपडेट कर दूं ना तो उसका रिटर्न बन गया देखो 261, जो 24% का रिटर्न था इसका 43% का रिटर्न दिया अब तक। हर एक को अपडेट करना बाद में करेंगे, अभी 27.3 का रिटर्न हो गया 17.7 से लेकर 17.9 तक, 11.9 तक, पौने 2 महीने में आपको रिटर्न मिला है 27। अभी 27 भी नहीं है, सबको अपडेट करेंगे तो अलग रहेगा। तो सिंपली आपको पीछे के वीडियो जाकर वो स्टॉक क्या परफॉर्म्स कर रहे हैं इसको चेकआउट करना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो जो वीडियो से फिर से निकालो, नहीं तो आप क्या कर रहे हैं, मैं नए दे रहा हूँ आप उसी को देख रहे हैं, तो फिर अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपको क्या लगेगा यार यार ये तो अभी नहीं कर रहा है, 2 महीने में जो भी वीडियो दिए वो परफॉर्म नहीं कर पाए, तो ये तो गलत तो नहीं बता रहा है। लेकिन पीछे की वीडियो निकाल के देखना, ये स्टॉक कोई 1 वीक के लिए 2 वीक के लिए नहीं है, ये फंडामेंटली अच्छे स्टॉक है और इसको लंबे समय के लिए भी आप कैरी कर सकते हो अगर आपके पास फंडामेंटल नॉलेज अवेलेबल है तो, अगर नहीं है तो यू कैन नॉट डू दिस थिंग्स। तो देखिए मैं अभी 21 तारीख का परफॉर्मेंस देखते हैं, 21 तारीख का ये मैंने वरुण ब्रेवरेज कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, वरुण ब्रेवरेज निकाल के रखे हैं मैंने, तो वरुण ब्रेवरेज आई थिंक दिस द वरुण ब्रेवरेज राइट नाउ, इसने जो हाई बनाया है 942 का हाई बनाया है इधर, और हमारा जो रिकमेंडेशन था वरुण बेवरेज का 895 था, 895, और 942 का हाई बनाकर 5% का रिटर्न इसने 3 वीक में जनरेट किया है। फिर TD पावर की बात की जाए तो TD पावर क्या कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, तो TD पावर ये रहा, TD पावर 275 पे ट्रेड कर रहा है और इसने जो हाई बनाया है वो 287 का है। तो हमने TD पावर को रिकमेंड किया था 260 पे पकड़ लीजिए, और 310 के टारगेट के लिए तकरीबन 11% का रिटर्न इसने 3 वीक्स में जनरेट किया है। गोकुल दास ने 575 पे रिकमेंड किया था, 882 का हाई लगाया है,
तो 53% का रिटर्न उसने जनरेट किया है। विनस पाइप आप देख सकते हैं, गोकुलदास को भी मैं आपको दिखा दूं, ये रहा गोकुलदास, ये यहाँ पर नाम आता है, देखो गोकुलदास हाई कितना बनाया इसने, और अभी भी बाय के लिए ये स्टॉक है 882 हाई बनाया है और 575 का रिकमेंडेशन था इस लेवल पे। तो विद इन अ 3 वीक्स यू गॉट अ 50-60% का रिटर्न इसमें आपने देखा। विनस पाइप देखिए 1568 पे ट्रेड कर रहा है और रिकमेंडेशन था विनस पाइप का 1460 पे, 1800 का टारगेट है, 1572 का हाई लगाया है, 7-8% का रिटर्न 3 वीक में जनरेट किया है। इन स्टॉक को आपको 6 महीने बाद 1 साल बाद निकाल कर देखना है। पॉली मेडिक्योर 1415 में आपको रिकमेंड किया था, अभी 1575 चल रहा है नियरली, ये देखिए यहाँ पर। तो पॉली मेडिक्योर जो था इसने हाई जो लगाया इधर लगाया 1575 का, ये अभी भी बाय है, इसके स्टॉप लॉस के साथ आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, 1300 के स्टॉप लॉस के साथ इसको अभी भी बाय किया जा सकता है। सो ये 21 को जो भी स्टॉक दिए थे 3 वीक पहले, इसके परफॉर्म 20 दिन के परफॉर्मेंस है, 20 दिन में इन्होंने कितना रिटर्न जनरेट किया है, तो एवरेज रिटर्न इसका निकाला जाए तो 17-18% का रिटर्न इसने जनरेट किया विद इन 3 वीक्स, 18% महीना भी नहीं हुआ है। तो ये अपडेटेड है, अभी मैंने अपडेट किया, निकालने के बाद इनको करना बाकी है। तो आज के स्टॉक्स के लिए जाते हैं, तो दोस्तों इस बात को पूरी तरीके से समझें कि ये जो रिकमेंडेशन है इसमें फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व है, और मैं आपको बताऊं आपको ये जो स्टॉक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ स्टडी पर्पज से, और बार बार ये ऊपर जाएंगे, मेरा कन्विक्शन है ऊपर जाएंगे, लेकिन इसमें एसेट एलोकेशन करना होता है, वेटेज देना पड़ता है, कौन से स्टॉक में कितना पैसा लगाना है ये देखना पड़ता है, और तब जाकर एक पोर्टफोलियो बनाकर इन्वेस्टमेंट की जाती है। ऐसे कोई भी वर्बल स्टॉक कोई कुछ भी बताएगा आप लोगे तो आने वाले समय में हो सकता है आप बड़ा लॉस कर सकते हो। तो ये स्टॉक ऑब्जर्व करें जिससे आपको एक बात की तसल्ली हो, एक बात कंफर्म हो कि मार्केट में प्रेडिक्शन और फंडामेंटली स्टॉक निकालकर टेक्निकली देखकर आप भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो और अच्छी नींद के साथ, क्योंकि आप डेरिवेटिव करोगे फ्यूचर ऑप्शन करोगे तो रात को नींद नहीं आती अगर पोजीशन होल्ड की, तो थोड़ा सा स्टॉक ऊपर नीचे गया तो। यहाँ पर कैश मार्केट में आप करेंगे तो भी 12-15% का रिटर्न आप जनरेट कर पाएंगे, तो और क्या चाहिए। मैं तो कहता हूँ सालाना 25-30% का रिटर्न इजीली इस मार्केट में बनाया जा सकता है और शांति सुकून भरा जीवन आप इन्वेस्टिंग से जी सकते हो, तो ज़्यादा तकलीफ करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज की है डीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिकमेंडेड है स्टॉक, 265 पे बाय करें, एसएल रहेगा इसके 235, टारगेट रहेगा 310 रुपये। देखते हैं डीप इंडस्ट्रीज को क्या कर रहा है डीप इंडस्ट्री। डीप इंडस्ट्री यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, ये जो स्टॉक है लंबे समय से अप ट्रेंड में है, पहले से ही अप ट्रेंड में है और अभी काफ़ी अच्छी तरीके से हाई लगा रहा है। तो देखिए इसको जो बाय गए 265 पे, अभी 264 पे ट्रेड कर रहा है, इसका जो स्टॉप लॉस है 235 के आसपास इसको स्टॉप लॉस लगाओ, और अच्छा खासा ऊपर जाने के आसार इसमें दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए इसमें पोजिशन स्टडी पर्पज से बना लेनी चाहिए। तो 235 के स्टॉप लॉस के है और टारगेट इसका रहेगा 310। तो डीप इंडस्ट्रीज रखे, ज्योति लैबोरेटरीज जिसको 367 में स्टडी पर्पज से बाय कर सकते हैं, इसका टारगेट भी मैंने बहुत कम दिया है, 400 के आसपास दिया है, तो आप इसको कंसिडर करें, तो 400 के आसपास इसका टारगेट है और स्टॉप लॉस 345 का है। कि ज्योति की बात कर रहे हैं हम, तो ये रहा ज्योति, तो 365 पे बाय करें, स्टॉप लॉस भी मैंने यहाँ पर 345 का दिया है और टारगेट इसका 400 दिया है। इसको भी आप देख सकते हैं, आप अगर चार्ट देखेंगे इसका पूरा, तो लंबे समय से ये अप ट्रेंड में ही है और काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर दिया था, उसका टारगेट शायद इसने पूरा कर लिया है, 400 तक जाएगा, तो 245 पकड़ लीजिए यहाँ पर, और नीचे ये जो था 85 था, तो 150 रुपये मैंने इसमें ऐड कर दिए और 400 का टारगेट बना दिया, लेकिन ये 400 से भी ऊपर जा सकता है ज्योति लैबोरेटरीज। फिर हमारा आज का थर्ड स्टॉक है, फंडामेंटली भी अच्छे स्टॉक्स हैं, डोंट वरी, इसको सिर्फ और सिर्फ
टेक्निकली देखकर नहीं बताया जा रहा है, इसको फंडामेंटली भी एनालिसिस किया गया है। फिर अनंत राज लिमिटेड है, 228 पर रिकमेंडेड है, 205 के स्टॉप लॉस के साथ 260 के टारगेट के लिए आप इसमें बने रह सकते हैं। अनंत राज का अगर आप चार्ट देखेंगे तो इस तरीके से ये दिखता है। देखिए इसको रिकमेंड किया था 228 में, अभी का अभी ये 234 तक जा चुका है, 233 तक जा चुका है। तो इसको इसका अगर चार्ट देखेंगे लंबे समय का तो काफ़ी दिनों तक एक रेंज में था और रेंज तोड़ के ये निकल चुका है और काफ़ी आगे के टारगेट ये आपको दे सकता है। तो यहाँ पर देखिए अनंत राज 228 पर रिकमेंडेशन, 205 का स्टॉप लॉस, 260 के टारगेट के लिए इसको वॉचलिस्ट में रखें। रेलटेल कॉरपोरेशन लिमिटेड 250 में बाय है, 220 स्टॉप लॉस है, 300 के टारगेट के लिए आप इसको भी देख सकते हैं रेलटेल को। और ये रहा रेलटेल, 245 का बाय है, इस स्टॉप लॉस से 220 के इसको होल्ड करें। काफ़ी बढ़िया चार्ट दिख रहा है और फंडामेंटल भी अच्छा है, काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट भी यहाँ पर 290 और 83 इसका अगर गैप निकाला जाए तो 100 रुपये तो यहाँ से इमीजिएटली बनना दिखता है, तो 290 तो ऐसे ही जाएगा। सो डेफिनेटली इसमें भी आप बने रह सकते हैं और मल्टी बैगर है ये स्टॉक ऐसा मुझे लग रहा है, तो डेफिनेटली इसको वॉच लिस्ट में रखें और साल भर के बाद 8-10 महीने के बाद जाकर इन स्टॉक्स को देखें, आप देखेंगे कि इन स्टॉक्स ने आपको 30-30, 40-40% के रिटर्न दिए हुए हैं। फिर लास्ट वन है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट, 271 पे इसको बाय कर सकते हैं स्टडी पर्पज से और 235 के स्टॉप लॉस और टारगेट 320। गुजरात मिनरल डेवलपमेंट इसमें भी आप पोजिशन मतलब स्टडी पर्पज से बना सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो मैंने अभी निकाला था उस वक्त ये इधर किधर था बहुत ही 271 पे था और राइट नाउ ये 290 पे चला गया है, तो विद इन अ डे मतलब ये बताने से पहले ही ऊपर चला गया काफ़ी सारा। तो अब अगर देखेंगे तो 320 का टारगेट मैंने दिया है, 30 रुपीज़ अपसाइड बाकी रहेगी, लेकिन ये इतना ही जाएगा ऐसा कुछ नहीं, इससे भी आगे जा सकता है। सो ये अभी का अभी इधर था, इधर किधर तो खेल रहा था और अभी का भी ये गया है। आप अगर देखेंगे तो मैंने ये तकरीबन 10-10:30 बजे की स्टॉक प्रेडिक्शन निकाले थे और मेरा एक शेयर मार्केट का लाइव सेशन होता है उसके लिए मैं गया था और तब तक ये काफ़ी अच्छा बढ़ चुका है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा करेक्ट होने दें, इस तरीके से करेक्ट होगा इधर तो उसके बाद ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी आप पोजिशन बना सकते हैं। देखो अभी कभी 2 रुपये ऊपर गया है और अभी इसने कैंडल्स डाली है, छोड़ू 5 मिनट में देखो, अभी इधर खेल रहा था, इधर सुबह मैं जब आया था तो इधर था 10-10:30 बजे, ये लेवल पे 271 और ये बाद में वदिना, अभी ये काफ़ी अच्छा वॉल्यूम के साथ निकल रहा है। तो देखिए ये जो स्टॉक्स है ये स्टडी पर्पज से डेफिनेटली इसको ऑब्जर्व करें और मेरे जो पीछे वाले वीडियोस हैं उसको ज़रूर देखें, जिससे वो 30-40% का ग्रोथ आप अगर देखेंगे 2-3 महीने में इन्वेस्टिंग से किसी स्टॉक में मिल सकता है, तो यू कैन मेक क्रिएट लॉट्स ऑफ वेल्थ फॉर योरसेल्फ। नीचे कमेंट बॉक्स में अगर आपको कुछ स्टॉक्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, टेक्निकल व्यू चाहिए, तो डेफिनेटली उसका नाम डाल सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें कि अच्छा लगा, क्योंकि लोग हैं ना सिर्फ लेना लेना जानते, देना देना जानते ही नहीं, डेफिनेटली नीचे कमेंट्स आने चाहिए। तो मिलते हैं आने वाले बुधवार को, लाइव सेशन करेंगे आने वाले बुधवार को शेयर मार्केट पे, तो आपके जो भी सवाल्स हैं उसको भी एड्रेस किया जाएगा आने वाले बुधवार को सुबह 10:30 बजे हम लोग शार्प मिलेंगे यूट्यूब पर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार को, थैंक्स।